आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग। विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू वार्ड, एनआईसीयू वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। घूसखोर लेखपाल की गतिविधि कैमरे में हुई कैद, डीएम के आदेश पर निलंबित। बस्ती जिले के हरैया तहसील के घूसखोर लेखपाल को एसडीएम ने निलंबित कर दिया है। एक तरफ योगी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, तो वहीं हरैया तहसील के लेखपाल आनंद चौबे बुजुर्ग महिला से वरासत के नाम पर 1 बीघा जमीन का दाम मांग रहे हैं। हरैया तहसील के लेखपाल आनंद चौबे का घूस में पैसा लेने और वरासत के बदले 1 बीघा जमीन का दाम मांगने का वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। लेखपाल अपने घर पर कुर्सी पर बैठकर 10 बीघा जमीन की वरासत के लिए घूस का पैसा ले रहे थे और 1 बीघा जमीन का दाम मांग रहे थे। घूस लेने के दौरान एक व्यक्ति ने वीडियो बना लिया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। कितना पैसा भाई तेरे पास? 5। और नहीं नंगा ना करो, हमें समोट अंडे दियो, कौन दिक्कत है? समोट नहीं देखो, ऐसा है तुरंत मैं महाकल्याण इसको आप दीजिए। इसके बाद दीजिए, हम मेरा परमानेंट घर है। नहीं घर है, घर तो है, आपकी किराएदार है, किराएदार हो ही नहीं, तू मिलम नहीं है रे। अरे नहीं, हमको काम कर दीजिए, हम 5000 रुपया नहीं दे। नहीं नहीं, दब्बर दे रहे, पूरा दाम चाहिए। अरे यार हम कहीं, अरे भैया ऐसा कह रहे हैं। अरे सुना जा, आप मिल जाए, आपको पैसा दिनों दिन मिलना है, हम दिलवाएंगे। हमको देखिए ऐसा है कि हम गलत बात नहीं करते हैं, साफ साफ बात कही थे हम। हम कबो नहीं, आपके नाप पैसे नहीं रह सकते, आप जान लीजिए। और अरे का हो जाए, मतलब सुख रहा बिना, मतलब बात ना कहा। हमारे बल तक करते हैं हम, हमको हम आपकी बाकी पैसा कब मिलेगी? बाकी पैसा आपको लगभग एक बीघा दाम का है। अरे भाई हम कहे थे आप अपने मुँह मत खोलिए, आप चुपचाप आपको मिलेगा। आप सुना जा, सुना जा, नहीं छोड़िए आप। देखा जाए धन वो आप बताइए। देखिए हिंदू लायक में दूसरे पत्नी को बिल्कुल ही नहीं है, दस्ती वकील है, कंसल्टिंग कर लीजिए। अब मैं वो लोग अगर सहमत ना होते तो हम आपके बुआ के नाम से नहीं करते ना, पिछले वाले में ना। हाँ नहीं, मैं करना आपको, हम तो बताए हैं।
प्रभारी डीएम एसडीओ राजेश कुमार प्रजापति ने बताया कि वीडियो का संज्ञान लेते हुए प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए एसडीएम ने तत्काल प्रभाव से लेखपाल को निलंबित कर दिया है। मामले की जांच कराई जा रही है। जांच के बाद इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। हाँ, इसमें एक वीडियो वायरल हुआ था कि आनंद चौबे तहसील हरिया में है। अभी मेरी एसडीएम हरिया से बात हुई है, उन्होंने बताया कि उसको प्रकरण को संज्ञान लेते हुए निलंबित कर दिया गया और विभागीय कार्रवाई उनके खिलाफ चल रही है। ये जांच का विषय है। जो वीडियो वायरल पर प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए कि उनके द्वारा गलत कृत्य है, हमारी कर्मचारी सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली है उसके तहत बिल्कुल गलत काम किया, तो उनको सस्पेंशन करते हुए और भी जो कार्रवाइयाँ होंगी वो की जाएगी।